हेलो एवरीवन, तो आज हम देखेंगे डू व्हाइल लूप क्या होता है। ओके, तो जैसा हमने देखा कि व्हाइल लूप का सिंटेक्स देखा था, फॉर लूप का सिंटेक्स देखा था, तो डू व्हाइल लूप क्या है? तो डू व्हाइल लूप भी सेम ही है, आपकी मर्जी आप यूज कर सकते हो, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है डू व्हाइल लूप में और व्हाइल लूप में। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो रफ कर देते हम लोग फॉर लूप का, रफ कर देते और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डू व्हाइल लूप। ओके, तो डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप दोनों सेम ही होता है, सिर्फ इसका सिंटेक्स क्या होता है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है डू और यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर आता है स्टेटमेंट और यहाँ पर आता है इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट, और करली ब्रैकेट के बाद में आपको लिखना होता है व्हाइल। करली ब्रैकेट के बाद में आपको यहाँ पे लिखो या तो नीचे लिखो, आपकी मर्जी, व्हाइल, कंडीशन और सेमीकोलन से क्लोज। और याद रखना कि डू व्हाइल लूप में व्हाइल को सेमीकोलन से क्लोज करना पड़ता है। ओके, तो ये डू व्हाइल लूप है। तो इसमें अभी सेम चीज है, व्हाइल कहाँ लिख रहे हैं, बाद में लिखना है, और डू पहले करना है। ओके, तो एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक एग्जांपल समझते हैं इसका सिंटेक्स का। सेम एग्जांपल समझेंगे, हेलो को 5 बार प्रिंट कराना है। ओके, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डू, डू क्या करो, डू प्रिंट हेलो, स्टेटमेंट मैंने लिख दिया। उसके बाद इंक्रीमेंट लिख देता हूँ i++। ओके, और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे मैं लिखूंगा व्हाइल, कंडीशन, कंडीशन क्या करना है, आई लेस देन इक्वल टू 5, जैसा हम करते आ रहे हैं। ओके, बस हो गया। अब इसको रन होगा, ये बार बार क्या होगा, देखो डू प्रिंट, डू में आ प्रिंट हेलो, तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। अब नीचे जाएगा, आई का वैल्यू कितना हो गया, अच्छा इनिशियलाइज तो आपने किया नहीं। ओके, इनिशियलाइज भी होगा बाहर ही, इनिशियलाइज जैसे व्हाइल लूप में बाहर इनिशियलाइज करते थे, जैसे आप इनिशियलाइज करते थे व्हाइल लूप में बाहर, तो इसमें भी आपको बाहर ही इनिशियलाइज करना है, इनिशियलाइज बाहर। ओके, इनिशियलाइज मतलब आई का वैल्यू मैं दे देता हूँ यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 1 दे दिया मैंने। ओके, 1 दे दिए, तो अभी अंदर जाएगा ये प्रिंट हेलो, हेलो प्रिंट हो गया, आई का वैल्यू अब 2 हो गया, तो नीचे आएगा कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, होता है तो वापस से डू में जाएगा, डू में जाएगा तो देखेगा हेलो प्रिंट करना है, हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर आई का वैल्यू 3 हो गया, तो 3 लेस देन 5 है तो वापस से हेलो प्रिंट हो जाएगा अंदर जाके इसमें। फिर आई का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो 4 लेस देन इक्वल टू 5 है तो हेलो वापस से प्रिंट हो जाएगा। अब आई का वैल्यू 5 है, तो 5 इक्वल टू 5 है, वापस से ऊपर जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। और फिर आई का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता है। ओके, तो अब लूप के बाहर आ जाएगा। ओके, तो आप बोलोगे कि अब डिफरेंस क्या पता, डिफरेंस तो पता चला ही नहीं कि डिफरेंस क्या है। ओके, तो अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, डिफरेंस बताता हूँ। अब मैं आई का वैल्यू अगर मैं 10 लिख देता हूँ यहाँ पर, आई का वैल्यू इनिशियलाइज 10 कर दिया मैंने, इसको रफ कर देता हूँ आउटपुट को। अब देखो आई का वैल्यू 10 था, अंदर जाएगा इसमें तो क्या लिखा है, प्रिंट हेलो, हेलो प्रिंट हो गया। ओके, अब उसके बाद आई का वैल्यू कितना हो गया, 11 हो गया, 11 लेस देन 5 है, नहीं फॉल्स हो गया कंडीशन, कंडीशन फॉल्स हो गया, 11 लेस देन 5 नहीं होता है, तो ये लूप के बाहर आ गया, तो ये लूप में जाएगा नहीं अभी। लेकिन अभी आपने यहाँ पर चीज़ देखा कि ये कंडीशन अगर फॉल्स भी है तो भी ये जो डू कंडीशन है एटलीस्ट 1 बार तो रन होगा, मतलब एक बार फर्स्ट टाइम तो रन होगा ही होगा। ओके, तो डू व्हाइल लूप में यही डिफरेंस है मेन, कि एक बार कंडीशन रन होगा ही होगा, जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे अगर वो कंडीशन फॉल्स है, ट्रू है, उससे मतलब नहीं है, एक कंडीशन रन होगा ही होगा। ओके, एक बार, तो ये डिफरेंस है मेन, कि आपका डू व्हाइल लूप में अगर आपको पहले फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट रन कराना है तो आप डू व्हाइल लूप यूज करो, अगर कंडीशन फॉल्स है, ट्रू है, उससे मतलब नहीं है। ओके, तो क्योंकि डू से स्टार्ट होता है ना कभी भी, तो डू से स्टार्ट हुआ और व्हाइल कंडीशन बाद में चेक किया उसने, कंडीशन बाद में चेक किया लेकिन रन तो पहले हो गया, तो इसलिए इस केस में हेलो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये डिफरेंस है, इसका प्रोग्राम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझेगा। तो हम लोग चलते हैं डार्ट पैड के एडिटर पर और वहाँ पर देखेंगे कि ये डू व्हाइल लूप किस तरह से वर्क होगा। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा तो कोई बात नहीं, वहाँ पर जाके अच्छे से पूरा समझ जाएगा। तो यहाँ पर हम आ गए डार्ट पैड पर और यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे आज हम डू व्हाइल लूप का। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है मेरे पास व्हाइल लूप का, जो कि प्रीवियस वीडियो का ही एग्जाम्पल है, जिसमें मैंने इनिशियलाइज यहाँ पर ऊपर किया था और वाइल के अंदर कंडीशन लिखते थे हम, और ये कंडीशन ट्रू होता था तो प्रिंट आई करना है और आई प्लस प्लस बार बार करना होता था। ओके, तो ये पिछले वीडियो का एग्जांपल है वाइल लूप का। तो इसको रन करेंगे हम तो हमें प्रिंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक गिनती प्रिंट हो जाएगा क्योंकि प्रिंट आई यहाँ पर हम लोग ने किया है। तो डू वाइल लूप में क्या होता है, सिंटेक्स कुछ चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ ये जो पार्ट होता है वाइल लूप का, ये कहाँ पर होता है, करली ब्रैकेट के बाद में होता है। ओके, करली ब्रैकेट के बाद में होता है और करली ब्रैकेट के पहले डू लिखना पड़ता है हमें। ओके, डू एंड व्हाइल,
और इसको सेमी कोलन से यहाँ पर क्लोज करना पड़ता है। तो यही छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, ओके। बाकी इस काम करने का तरीका दोनों का सेम है, ओके। डू दिस एंड व्हाइल ये, जब तक ये ट्रू होगा तब तक इसको ये डू करते रहना है, ओके। तो यहाँ पर सबसे मेन डिफरेंस क्या है डू व्हाइल लूप में और व्हाइल लूप में, कि ये कंडीशन जो व्हाइल का है ये अगर ट्रू है या तो फॉल्स है, लेकिन ये डू जो स्टेटमेंट रहेगा एक बार तो एटलीस्ट चलेगा ही चलेगा, फिक्स है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो भी। लाइक अगर फॉल्स मतलब मैं समझ लो यहाँ पे 11 ले लेता हूँ आई का वैल्यू, आई का वैल्यू 11 लिया तो क्या होगा, ये अभी डू के अंदर जाएगा बिना कंडीशन चेक किए, डायरेक्टली डू में जाएगा ही जाएगा फर्स्ट टाइम, ओके। तो अभी आई का वैल्यू यहाँ पे कितना 11 है, तो 11 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 11 प्रिंट हो जाएगा। 11 प्रिंट होने के बाद यहाँ पर आई का वैल्यू 11 है, तो 11 लेस देन 10 है, यहाँ पर चेक करेगा 11 लेस देन 10 होता है क्या, नहीं, फॉल्स होता है, ओके। फॉल्स है तो अब ये लूप के बाहर आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट एक टाइम तो ये रन हुआ ही हुआ डू व्हाइल लूप में। तो डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि कंडीशन अगर ट्रू है या तो फॉल्स है, लेकिन एक बार तो वो डू करेगा ही करेगा, डू स्टेटमेंट रन एक बार तो करेगा ही करेगा। रन करके इसको देख लेते हैं, तो जैसे मैंने रन किया तो 11 प्रिंट हो गया यहाँ पर, क्योंकि एक बार तो ये चला उसके बाद कंडीशन ने चेक किया तो फॉल्स हो गया। तो अगर इसको मैं 1 कर देता हूँ, 1 कर दूंगा तो अभी 1 होगा यहाँ पर, 1 प्रिंट होगा, फिर 1 लेस देन 10 होता है, फिर वापस से आई का वैल्यू कितना हो गया था 2 हो गया था, तो 2 लेस देन 10 होता है, वापस से प्रिंट करेगा डू, मतलब जब तक कंडीशन ये ट्रू रहेगा तब तक ये डू स्टेटमेंट रन होते रहेगा, ओके। सिंपली यही मीनिंग है इसका, ओके। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है डू व्हाइल लूप में और व्हाइल लूप में, दोनों सेम है, सिर्फ क्या होता है डू व्हाइल लूप में एक बार तो स्टेटमेंट रन होता ही होता है, अगर वो कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है उससे फर्क नहीं पड़ता है, ओके। तो ये छोटा सा डिफरेंस था, अगर आपको डाउट है कहीं पर भी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग देखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किस तरह से करते हैं।